जल्दी जा रही हो ऑफिस? जी, आज फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग थी। अयाज जिब्रान की वो भी चले, उसका होना बहुत जरूरी है, बट आपके साहबजादे ने एज यूजुअल मना कर दिया। एंड ही इज स्टिल स्लीपिंग। क्यों पीछे पड़ गई उसके? रात को पार्टी से लेट आया था, थका हुआ है तो इस वजह से सो रहा है। तुम खुद जाओ ना। क्यों, ऐसा क्या कर रहा था जो थक गया? आई मीन सेटअप लगा रहा था वहां पे या निकाल रहा था? बकवास बंद करो। तमीज तो तुम्हें छू के गई ही नहीं है, हर बात का हाजिर जवाब होता है तुम्हारे पास। शाजिया, क्या हो गया तुम्हें? क्यों उसके पीछे पड़ गई हो? क्यों गुस्सा आ रहा तुम्हें? कौन सी गलत बात कह दी? तो चुप्पी करो। कभी भी तुम्हें इसकी कोई बात गलत नहीं लगती। अच्छा, I'm getting late, मैं निकलती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं जिब्रान को नींद से उठा के भिजवाता हूँ। नहीं नहीं, चुके तब तक बहुत लेट हो जाएगा। I'll manage. तुम्हें बहुत शौक है ना बिजनेस मीटिंग्स का, तो खुद जाके अटेंड कर लो। देखो, मेरे लिए तो मेरा फॉरेन का बिजनेस ही बहुत है। मैंने तो फैसला कर लिया था कि यहाँ वाला बिजनेस वरीशा और जिब्रान के हवाले कर दूं, लेकिन जिब्रान साहब को तो कोई इंटरेस्ट है। ये तो बकौल तुम्हारे, अगर जिब्रान की बीवी बिजनेस में महारत रखती तो उसी को सौंप दो ना। बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो जाए। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, एटलीस्ट जिब्रान की जान इन झमेलों से छूट जाए। तुम कह रही हो तो मैं यकीन कर लेती हूँ कि रोशना बदल गई है, लेकिन ये कोई मौजा हुआ होगा। वक्त इंसान को बदल देता है भाभी। वक्त इंसान को बदल तो देता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखना कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। कैसी है भाभी? अरे, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। अच्छा, मेरा जिक्र? ये बताएं, तारीफ हो रही थी या फिर तनकीद? नहीं नहीं, गुल तो तुम्हारी तारीफें कर रही थी। कह रही थी कि रोशना बहुत बदल गई है, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा था, तो मौजा ही हुआ होगा। क्यों भाभी, मैं क्या बदल नहीं सकती? बिल्कुल बदल सकती हो रोशना, लेकिन हैरानगी की बात है ना कि जो लड़की काम से भागती थी, कोई काम नहीं करना चाहती थी, वो आजकल किचन में कुकिंग कर रही है। मुझे तो ये सब कुछ नामुमकिन सा लग रहा है। देखें, इस नामुमकिन को मैंने मुमकिन बना दिया, और बहुत जल्द ना मैं आप लोगों को कुछ बना के खिलाऊंगी। अरे नहीं रोशना, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मगर मैं सीरियस हूँ, इस हफ्ते ना आप सब लोग हमारे घर डिनर करेंगे, और ना मैं सब कुछ खुद बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं रोशना, तुम क्यों सीरियस हो रही हो? भाभी तो मजाक कर रही थी, हमें तुम्हारी दावत की जरूरत नहीं। मेरी प्यारी कजन, तुम्हारी शादी मेरे बचपन के दोस्त से हुई है, बस इसी खुशी में ना दावत होगी, और तुम इनकार नहीं करो। अब देखें ना, मुझे भी तो तजुर्बे करने दें कि मैं 10-15 लोगों का खाना बना सकती हूँ या नहीं। 10-15? मगर तुम्हारे घर में तो 5-6 लोग ही हैं। लेकिन ससुराल में तो ज्यादा हो सकते हैं ना। ससुराल? अरे भाभी, आप समझ नहीं रही, मतलब दादी जान ना मेरी शादी कराना चाह रही है, और अब ससुराल में कितने लोग होंगे ये तो पता नहीं ना, इसीलिए दादी जान की ख्वाहिश के मुताबिक मैं सुगर बनने जा रही हूँ। मॉम, हम लोग कल सुबह हनीमून के लिए जा रहे हैं। क्या मतलब कल रवाना हो रहे हो? अभी शादी का दूसरा तो दिन है, कुछ दिन तो रुक जाते ना। नहीं मॉम, क्या करते हम रुक के, बोर ही होते। बाप, बोरियत की बात नहीं है, कुछ दावते वगैरह हैं, और मेरे क्लब के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी एक सेलिब्रेशन डिनर का बोला है, उसके बाद जिब्रान भी एक पिकनिक के बारे में कह रहा था, सो कुछ दिन तो रुक जाते ना। मॉम आप चली जाइएगा ना क्लब के डिनर पे, आपकी फैमिली तो यहाँ पर ही है। कौन सी फैमिली? वो नकचड़ी बहू और उनके हिमायती सुसर, उन दोनों ने तो अपनी पार्टी बना ली, और हम माँ बेटे को बिल्कुल अलग कर दिए।